हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं इवनिंग के 6:30 और ये मेरा इवनिंग व्लॉग है। तो मैं इवनिंग को क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ सब मैं दिखा रही हूँ। तो अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ इवनिंग स्नैक्स का। तो मैं बना रही हूँ आज सूजी का हलवा, तो मैं उसी का कुछ प्रिपरेशन करके रखती हूँ, जस्ट बिकॉज कि जल्द जैसे ही विशाल आए तो मैं बना कर दे सकूँ, ज़्यादा टाइम ना लूँ उनका और उनको ज़्यादा वेट ना करवाऊँ। क्योंकि कोई भी इंसान थक कर आता है तो उन्हें कुछ जल्दी चाहिए होता है नाश्ता के लिए। तो बस फिर मैं उसके बाद कुछ प्रिपरेशन करने के बाद खुद रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर जाना रहता है। क्योंकि घर पर तो मैं वैसे ही नॉर्मल रहती हूँ, बस मैं थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाती हूँ और बस रेडी हो जाती हूँ। गाइस, बस चिट चैट मेकअप करके मैं रेडी हो जाती हूँ, बस वही थोड़ा सनस्क्रीन लगाती हूँ क्योंकि अभी भी धूप रहती है 7-8 बजे तक। तो मैं थोड़ा सनस्क्रीन लगाती हूँ ऊपर से और मैं फेस वाटर लगाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ऑयली ना दिखे बस। और उसके बाद फिर मैं वेट करती हूँ कॉल का, अगर कॉल आ गया जल्दी मैं निकल जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं कुछ प्रिपरेशन कर लेती हूँ। जैसा आपने देखा मैंने प्रिपरेशन कर लिया है थोड़ा बहुत शाम के नाश्ते का। आज मैं बनाऊँगी हलवा, कल तो विशाल ने अपनी मर्जी का बनवा लिया, आज मेरा मन है हलवा हलवा बनेगा। तो चलिए अब चलते हैं विशाल। तो ये गाइस विशाल आ चुके हैं और मैं तो हलवा का तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो लगा था कि विशाल ने कल वादा किया था कि तुम्हें कल विशाल मेगा मार्ट ले चलूँगा। तो मैं तो पूरा रेडी थी कि हाँ भैया आज मुझे विशाल मेगा मार्ट जाना है, बट आज ये इतने ज़्यादा थके थे कि मतलब कि ये नहीं बोले बोले कि नहीं मुझे बहुत काम है, आज ऑफिस का भी काम है और घर पे भी मैं लेकर आया हूँ काम को, तो मुझे काम घर पे भी करना है, तो आज नहीं हो पाएगा। फिर थोड़ा सा दिल टूट गया, सब मन से उदास जैसा हो गया। फिर मैंने उनका जब मुँह देखा तो मुझे लगा कि नहीं भाई सही में थके हुए हैं, और इधर मेरा हलवा बन रहा है। तो बस हलवा को नॉर्मली मैंने रिफाइंड में भून लिया है और मुझे पर्सनली विदाउट ड्राई फ्रूट्स वाला हलवा पसंद है, क्योंकि हलवा का मतलब है यार खाओ तो बस हलवा रहे, जिसे सिवाना ना पड़े और बस विदाउट च्यूइंग किए डालो मुँह में और ख़त्म। पर्सनली मुझे वो वाला हलवा पसंद है। और बस चाय और हलवा का यहाँ प्रिपरेशन चल रहा था और मेरा मन थोड़ा सा उदास जैसा हो गया था, क्योंकि विशाल ने कल वादा किया था कि तुम्हें ले चलूँगा विशाल मेगा मार्ट। मुझे किचन के कुछ सामान लेने थे और कुछ अपने लिए भी लेने थे डेली वेयर के लिए कुछ, तो बस वही थोड़ा सा मुँह बन गया था। तो कोई बात नहीं, जब मैंने उन्हें देखा कि वो सच में बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर में हैं, वो घर पे भी काम कर रहे हैं, जनरली वो घर पे काम लेकर आते नहीं हैं लेकिन फिर भी वो कल लेकर आए थे, तो मुझे अच्छा लगा नहीं कि मैं बार बार उन्हें फोर्स करूँ कि चलिए चलिए, तो कोई बात नहीं आज नेक्स्ट डे चले जाएँगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मैंने बना दिया जरा जट हलवा तैयार है, उधर चाय बन रहा है। तो गाइस एज यू कैन सी कि वो घर पे आते ही बस हाथ मुंह धुले हैं और फिर अपना लैपी लेके बैठ गए हैं, मतलब क्या ही बोला जाए कि कितना ज़्यादा। सो ये गाइस हम लोग का डिनर हो चुका है और डिनर काफ़ी लेट हुआ क्योंकि आज विशाल को ऑफिस में ज़्यादा काम था, तो वो काम आधा घर पे भी लेके चले आए। तो बाकी मेरा तो दूध बॉयल हो रहा है, बाकी हम लोग दूध पिएंगे। गाइस मिल चुका है विशाल को दूध और वो हाथ टच करके देख रहे थे कि दूध गर्म है कि नहीं, मतलब क्या ही कहा जाए, नौटंकी जल गया। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारे छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।